वलीद बिन उकबा ने कहा कि ये खत है, हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया और यजीद तख्त नशीन हुआ, लिहाजा वो आपसे बैत का मुतालबा करता है। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे जैसा शख्स यूं छुप के बैत नहीं कर सकता, और आप वापस पलटे। मरवान बिन हकम ने वलीद बिन उकबा को कहा कि ये मौका है, जाने ना दिया जाए, अगर ये निकल गए तो दोबारा तुम काबू नहीं पा सकोगे और इन्हें यहीं कत्ल कर दिया जाए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह बात सुन ली, कहते हैं हज़रत इमाम हुसैन उन्हीं कदमों के बल वापस पलटे और मरवान बिन हकम से मुखातब होकर कहा, मरवान क्या बोल रहा है? वो खामोश हो गया। फरमाया, तू जानता नहीं हम कौन है? आना हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, मैं हुसैन हूं, मैं अली का बेटा हूं, हमारे घर में कुरान उतरता रहा है, वही का नजूल होता रहा है, और यजीद फासिक है, फाजर है, मुसलमानों का कातिल है और शराबी है, मैं डंके की चोट पे यजीद की बैत से इनकार करता हूं। बस हैदरी कछार से मुहम्मदी शेर निकल आया है। अब औसान खता हो गए, रास्ता छोड़ दिया, वापस आए, सैयदा जैनब से मिले, कहा मदीने को छोड़ना पड़ेगा। कहा भैया क्या हुआ? कहा यजीद बैत लेने पे मुसिर है और मैं किसी सूरत भी बैत नहीं करूंगा, रसूलुल्लाह का मदीना हमारे खून से लालाजार बनेगा, मैं नहीं चाहता कि हुजूर के शहर नूर की हुरमत पामाल हो। आजम चिश्ती मरहूम आखिरी बार जब हुजूर के रोजे अनवर पे गए तो बीमार थे, व्हील चेयर पे थे, बाबे बकी से बाहर निकले तो खादिम से कहा कि मेरी व्हील चेयर पीछे से खींचो ताकि मेरा रुख रोजा अनवर की तरफ रहे, और वो पीछे से खींचता चला जा रहा है। और जब बाबे मक्का से पीछे जन्नतुल बकी के करीब से गुंबद खजरा निगाहों से ओझल होने लगा तो आजम चिश्ती मरहूम ने कहा, जहां बदन से निकलती है आजम, जहां बदन से निकलती है आजम, कोई आसान है मदीने से जुदा होना, कोई आसान है मदीने से जुदा होना। ये उस शख्स की कहानी है जो 10 दिन 5 दिन महीना 2 माह वहां रहता है और फिर उस शहर को छोड़ के आना उसके लिए आसान नहीं होता। और मुझे बताओ कि हुसैन जो पैदा मदीने में हुआ, जिसके घर का दरवाजा मस्जिद नबवी के अंदर खुलता था, जो मस्जिद नबवी के अंदर परवरिश पा के जवान होता है और मदीने की गलियों में खेलता रहा, उस हुसैन इब्ने अली के लिए मदीना छोड़ना, और फिर वो इस बात का इल्म और शऊर रखते थे कि ये आखिरी बार हुजूर के दर पे हाजिरी है, दोबारा इस शहर नूर में नहीं आ सकूंगा, तो क्या कयामत होगी और क्या मंजर होगा। मोहम्मद बिन हनफिया के अलावा खानदान नबूवत के जितने लोग थे उन सब ने शहर मदीना को अलविदा कहा, और रात के मौके में मदीनातुल मुनव्वरा को, मस्जिद नबवी को छोड़ करके मक्का की जानब आज़म सफर हुए। 3 शाबानुल मुअज़्ज़म को मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचते हैं।